वेलकम बैक टू माय टू चैनल। मैं अनीता, आप देख रहे हैं पैक्टू ने। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ कई प्रकार के शाकाहारी एवं मांसाहारी जीव रहते हैं। कुछ जीव जमीन पर पाए जाते हैं तो वही कुछ जीव पानी में रहते हैं। हमने चिड़ियाघर में कई प्रकार के खतरनाक जीव को देखा है, जैसे बाघ, शेर, और हम यह भी जानते हैं कि इनके सामने जाने पर वो हमें खा ही जाएंगे। फिर भी इन जानवरों के बच्चे देखने में बहुत ही क्यूट से लगते हैं और हम उनके बच्चों से बिना डरे गोद में भी ले सकते हैं। लेकिन पृथ्वी में एक ऐसा जीव भी है जो बच्चा हो या बड़ा, उससे हमेशा डर ही लगता है। वह जीव है जहरीला सांप। दोस्तों, सांप के काटने से हर साल दुनिया भर में 1,00,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। इन मौतों के 80% शिकार भारतीय होते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप भारत या पाकिस्तान में नहीं पाया जाता। भारत में सांपों के लगभग 300 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से 60 प्रजातियाँ ही जहरीली होती है। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के अनसुनिए तथ्य। दोस्तों, हमारा पहला जहरीला सांप का नाम है इनलैंड तपन। यह सांप ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर रीजन में पाया जाता है। यह दुनिया के सबसे जहरीला सांप है। इसका जहर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन यह सांप जल्दी किसी को काटता नहीं है और अमूमन इंसानों से दूर ही रहता है। लेकिन अगर यह सांप किसी इंसान को काट ले तो ट्रीटमेंट के अभाव में इंसान की मृत्यु होनी निश्चित है। इसका वेनम नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। यह सांप दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बाढ़ के मैदानों की मिट्टी में दूसरे जीवों के द्वारा बनाए बिलों में रहता है। आज का दूसरा वेनमस स्नेक है कोस्टल ताइपन। यह सांप भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप बेहद जहरीले होने के साथ साथ बहुत ही फुर्तीला होता है और अपने शिकार को बहुत ही सटीकता के साथ काटता है। शिकार को जब तक कुछ समझ आए तब तक यह कई बार काट चुका होता है। इसका वेनम नर्वस सिस्टम और ब्लड क्लोटिंग सिस्टम पर असर करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग कम हो जाती है और ब्लीडिंग होती है। जल्दी ट्रीटमेंट ना मिलने पर भी मौत हो सकती है। किंग कोबरा, राजा नाग। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अनुसार किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। यह दुनिया का तीसरा सबसे जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के अनुसार किंग कोबरा 100 मीटर की दूरी तक अपने शिकार को देख सकता है। यह सांप अपने लंबाई के 1/3 हिस्से को जमीन से ऊपर उठा सकता है। किंग कोबरा भारत, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसका वेनम नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे पैरालिसिस और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। किंग कोबरा का जहर एक इंसान को 15 मिनट में और एक बेस्ट हाथी को कुछ ही घंटों में मार सकता है। हमारा अगला जहरीला सांप है कॉमन क्रेत। यह सांप इंडिया में पाया जाता है। ज़्यादातर रूरल एरिया में यह सांप मिलता है। यह सांप बहुत ही खतरनाक होता है और इंसानों को सबसे ज़्यादा काटने वाले सांपों की श्रेणी में आता है। यह सांप दिन के समय काफ़ी धीमी गति से चलता है और अंधेरा होने के बाद इसके काटने की संभावना अधिक होती है। जनरल PLOS नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में प्रकाशित 2016 के एक अध्ययन के अनुसार कॉमन क्रेत सांप का जहर मांसपेशियों को पंगु बना सकता है और डायफ्राम को हिलने से रोक सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप घुटने से मौत हो जाती है। अब बात करते हैं आज के पांचवा सांप के बारे में, जिसका नाम है ब्लैक मम्बा। यह सांप अफ्रीका के सवाना और
स्क्रब लैंड एरिया में पाया जाता है। इसका वेनम नर्वस सिस्टम और हार्ट को अटैक करता है, जिससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगर समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो इंसान को बचाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा छठा सांप है सांप स्केल्ड वाइपर। यह सांप इंडिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कुछ भागों में पाया जाता है। यह सांप भारत में सबसे अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह सांप दूसरे सांपों की तरह ही सिंह ध्वनि के बजाय अपने दांतेदार त्वचा को बजाकर खतरे के समय चेतावनी देता है। इसका वेनम क्लॉटिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर इंसान का मृत्यु हो सकती है। रसेल वाइपर। रसेल वाइपर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के कुछ भागों में पाया जाता है। इसका वेनम ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम और नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग और पैरालिसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट के अभाव में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो बचने की उम्मीद रहती है। हमारा अगला सांप है ईस्टर्न टाइगर स्नेक। ऑस्ट्रेलिया म्यूजियम के अनुसार ईस्टर्न टाइगर स्नेक दुनिया का जहरीले सांपों की श्रेणी में आती है। इसका नाम इसके शरीर पर पीले और काले रंग की धारियों पर रखा गया। यह सांप दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। एडिलेड यूनिवर्सिटी के अनुसार इस सांप के काटने के बाद केवल 15 मिनट में मनुष्य की मौत हो सकती है। बूम स्लिंग या ग्रीन ट्री स्नेक। इस सांप के काटने के चंद घंटे में इंसान के आंखों, फेफड़ों, गुर्दे, हृदय और मस्तिष्क से आंतरिक रक्त स्राव होने लगता है। अगर इसे समय पर नहीं रोका गया तो मौत निश्चित होती है। यह सांप पूरे अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में रहता है। आज का दसवां सांप का नाम है फेर डी लांस। जर्नल टॉक्सिकोन में प्रकाशित 1984 के एक पेपर के अनुसार फेर डी लांस के काटने से व्यक्ति के शरीर के टिश्यू गलने लगते हैं। काटे गए स्थान पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ये सांप 3.9 और 8.2 फीट लंबे हो सकते हैं। यह सांप मध्य अमेरिका में अपने काटने के लिए बदनाम है। दोस्तों, तो ये थे दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांप। तो ये कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।